एथर इष्ट प्रसंग आलोचना करिया पई आम पाखे जे उपस्थित अछंती श्री श्री ठाकुर वरिष्ठ सहप्रतिवित्तिक देवता श्रीजुक्त जितेन्द्रनाथ षडंगीदा पथकोड़ी ग्रंथर आज विषय वस्तु को आलोचना करने निवेदन करुच्छी। जितेन्द्र दा जय गुरु प्रणाम। जय गुरु। परम आराध्य परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ युगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण से मोर कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार समस्त श्री चरण से मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज सत्संग विहार नरसिंहपुर ग्लोबल ईद सत्संग 977 दिन रे पदार्पण करिया जाउछि। उक्त सत्संग बरेण्य परिचालक प्रथमे विजय कुमार भाई विजय कुमार परिडा भाई थिले प्रोफेसर वर्तमान किए अछन मु जानि परमि तथा ऑनलाइन रे संयुक्त होइतिबा सहप्रतिनिधि वृंद अधर्जु जाजक मंडली गुरुभ्राता मंडली भक्तिमती मातृमंडली समस्त मोर आंतरिक रा प्रीति एवं जय गुरु। उक्त सत्संग रे संयुक्त हेबा को मते प्रोफेसर विजय भाई आग्रह प्रकाश करथिवारु निजक धन्य मन करिवार संगे संगे तांकर तथा तांकर परिवार समस्तंकर इष्टिपुत जीवन कामना करछि। उक्त सत्संग रे भोग निवेदन करछन्ति भाई आगुरु कहुथिले जणे गुरु भाई नरसिंहपुर रो जे आरंभ रु आज पन्ते भोग दे आसछन्ति आउ जणे मुरलीधर साहू भाई तांकर पुअर मंगल पई भोग निवेदन करछन्ति आउ जणे जी वेंकट प्रसाद सान पुअ जी विशेष रो जन्मदिन उद्देश्य रे गुरुग्राम रो जन्मदिन उद्देश्य रे आदि भोग निवेदन करछन्ति। सुदाम चरण मंडल भाई सहधर्मिणी 26वां विवाह वार्षिक उत्सव उद्देश्य रे भोग निवेदन करछन्ति एवं लिंगराज जेना एवं तांको सहधर्मिणी 33वां विवाह वार्षिक उत्सव रे भोग निवेदन करछन्ति। समस्त उद्देश्य परिपूर्ण पाई परम पितांक पाखरे प्रार्थना करूछि से तांकर ए उद्देश्य मंजूर करंतु। आदि शंखध्वनि करिछन्ति प्रभात कुमार बस्तिया भाई प्रार्थना करिछन्ति श्रीयुक्त बद्री नारायण महापात्र सत्यानुसरण पत्थर कोड़ी पाठ करिछन्ति श्रीयुक्त दुखी बंधु साहू एवं आदि जो भक्ति नैवेद्य सब अर्पण कले ब्रजेश पद पंडा भाई दुई थर एवं श्रीमती कल्पना अधिकारी शिवानी अश्विनी प्रधान माँ एवं कोरस परिवेशन कले बसंत कुमार साहू सब गुड़िक हृदय स्पर्शी होती आम मन को इष्ट भाव में भावित कर चली यही भाव में परेशन कर चलत आम मन को इष्ट पथरे परिचालित करातु। आज आलोच्य विषय भाई आगुरु कहते जहा लेखा अच्छे मनर भाव नुहे वास्तव कर्म ही भगवान देखती पथर कड़े बाणी नंबर 107 बाणी संख्या 107 प्रथमे मन आसे कुआडु गतकाल रमाकांत भाई खूब सुंदर भाव मन विषय आलोचना कर आत्मा एक्जिस्टेंस अस्तित्व से चैतन्य स्वरूप चैतन्य उपरे पारिपार्श्विक तरंगाभिघात मनर सृष्टि हुए जहा ठाकुर कहते आलोचना प्रसंगे 14 खंड 182 पृष्ठारे मनीषर मृत्यु हेले शरीर पड़ी रहे आत्मा सहित एक अतिवाहिक देह बा एक्टोप्लाज्मिक बॉडी रे मन बुद्धि अहंकार तीनटा चली जाए से कथा गीतारे श्रीकृष्ण कहते मन बुद्धि अहंकार जीवश्य सहकारीण स्वकर्म बशतात फल भोक्तार एवते मृत्यु परे केवल मन बुद्धि एवं अहंकार जीव सहित तो जाए एवं ए जीव स्वकर्म बशत फल भोग करे। आमे कहू सचिदानंद घन विग्रह तांकठारु सबु जीवंत सचिदानंद विग्रह जेतेबेले आसंती सेतेबेले तांक भितरे देखियो पाऊ जीवन रे पूर्ण रूप चित चेतना चित्त बाय चैतन्य नथिले मन न थाए मन वस्तुर साड़ा बा प्रेरणा ग्रहण करे वस्तु मन उपरे तरंग तोले तेणु मन केते विचित्र भावे क्रिया करे यही मन दे जेतेबेले मनीष सचिदानंद मनन करने को आरंभ करे सेतेबेले आसे मनर सार्थकता
आम देह तीन टी प्रधान पदार्थ बा फैक्टर हूँ देह मन आत्मा काली भाई आलोचना कर विषय सबु काम मूल अच्छी मन यही मनर निजर किंतु कौन शक्ति ना यह सुरत बा आत्मार चैतन्य शक्ति रे शक्तिमान हुए मन को इंद्रियर राजा कहते तार कारण चैतन्य धारा युक्त मनर शक्ति रे इंद्रिय गुण कार्यकारी हुए इंद्रिय द्वार को जदि मन न जाए ताहले से इंद्रिय निष्क्रिय थाए गीतारे श्रीकृष्ण कहते इंद्रियाणी परन्याहुर इंद्रिय उभ्य परह मनः मनसस्तु पराबुद्धि जो बुद्धा परस्तस्तु स देह अपेक्षा इंद्रिय श्रेष्ठ इंद्रिय अपेक्षा मन श्रेष्ठ मन अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं बुद्धि अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ यही आत्मा को हिंदी भाषा रे सुरत कहते यही सुरत धारा बा चैतन्य धारा मन को संजीवित करे आ सुरत धारा युक्त मन इंद्रिय गण को संजीवित करे सेते बेले स्थूल देह रे क्रिया आरंभ हुए सुरत अर्थ सु रम धातु माने रमण करिबा टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन युक्त हेबार आग्रह आत्मा सदा बेले युक्त हवा को चाहे सुरत एथिपाई जो अभ्यास मध्यम मन और सुरत आत्मा को आयत्त करी आदि पदरे पहुंचा जाई परिबो बा युक्त करा जाई परिबो सेई अभ्यास को सुरत शब्द जोग कहते सुरत माने आत्मा शब्द माने आदि अनाहत नाद बा कंपन जेउठी सुरत धारा सेठारे शब्द अछि जेसे ठाकुर भाव माने कहिसेंति व्हेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज साउंड बा जेउठारे सुरत बा चैतन्य सेठारे शब्द एई शब्द बा नाद को शास्त्र रे कहंती बीज मंत्र सेति पई एई मंत्र को मन द्वारा जप कले से सुरत बा आत्मा शब्द सहित युक्त हेबार रास्ता मिली जीव बा मिली जाए यही बीज मंत्र को सद्गुरु पुरुषोत्तम प्रति युग संधिकरण बहन कर धराधाम आविर्भूत हमें जो व्यक्ति प्रति श्रद्धाशील हो बीज मंत्र को मन द्वारा मनन करती दीक्षा ना मध्यम से ही आत्मा मुक्ति लाभ पथरे परिचालित हुए ये सब मनीष करे यही मन द्वारा एणु मनर एत आवश्यकता अच्छी पुणी यही मन इंद्रिय मान द्वारा परिचालित हो केतेबेले केउ आकार धारण करे एटा कहि हुए ना यही मनटा हूँ चंचल यही चंचल मन को निश्चल करने को अर्जुन श्रीकृष्ण को गीतार पचारे चंचल ही मन कृष्ण प्रमथी बलभद्र तस्यांग निग्रह मन ने बावरी सुदुष्करम हे कृष्ण ये मन एत चंचल एवं दृढ़ जे तार निरोध वायु निरोध ठार असाध्य अटे अर्थात पवन जदि जो आम बात्या आसुच्छे समुद्र भितर आसुच्छे सहभाग को आसा बोधे आठ दस घंटा बार घंटा चल जाऊ कि मनटा चटकिरी पल जाऊ गोटे मिनिट्रे से कड़े ना कड़े धर आम ये बसचे ये भावचे दिल्ली कथ दिल्ली पहुंचीगले कि आमेरिका किए जाइए आमेरिकार कथा मन पड़ मन चलीगला आमेरिका गोटे सेकेंड भी लगुन मन एत स्पीडली जाऊँ से मन को निश्चल केमी कर अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारे श्रीकृष्ण कहले असंशय महाबह मन दुर्निग्रह चलम अभ्यास कौत वैराग्य गुहती हे महाबाहु मन जे दुर्निरोध अस्थिर एथिर संदेह नाही किंतु हे कौंतेय नामाभ्यास द्वारा एवं वैराग्य द्वारा मन को निगृहित करा जाए पुणी आ गोटे श्लोक श्रीकृष्ण कहते अभ्यास जगदुक्त चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषंग दिव्यंग जाति पार्थानु चिंतयम से ही दिव्य परम पुरुषंग सहित दीक्षा मध्यम युक्त हो जोग अभ्यास द्वारा मन को अन्य गामी न करी तांकु लाभ करा जाए भागवत अच्छी ए मन स्वभावे चंचल केबे हे न रहे निश्चल अभ्यास बस हुंती तार प्राण इंद्रिय अहंकार चंचल मन एक करी साधिबु गुरु नाम धरी यही मन द्वारा मनीष दुख पाए कई जदि षोलनाए मन को इष्टंग ठारे सक्रिय भाव व्यापृत रखी पारे ताहेले दुख को अतिक्रम करी पारिबो तेणु पूरा मनटा को तांक पादरे न्यस्त करी देबा को हुए ठाकुर नै थिबाय हेला मनर सद्व्यवहार कष्ट पाइले बुझिबा केब मनर बाजे व्यवहार कर मन द्वारा
नाम कले ब्रेन आडजस्टमेंट बा मस्तिष्क रो नियंत्रण हुए एवं नर्वस रो आडजस्टमेंट बा स्नायु रो नियंत्रण हुए जेउथिरु एनर्जी विल कंसंट्रेशन बा शक्ति इच्छा शक्ति एकाग्रता सब आसे। ठाकुर कहते जी तर नाम करे तार समस्त शारीरिक मानसिक व्याधि विनष्ट हुए यही मन द्वारा सबकि संभव हुए। ये मनर चार स्तर अच्छी गोटे हूँ कॉन्शियस लेयर चेतन स्तर सबकॉन्शियस लेयर उपचेतन स्तर प्री कॉन्शियस लेयर प्राक चेतन स्तर आउ गोटे अच्छी अनकॉन्शियस अचेतन स्तर। साधारणतः आम जो चिंता और कर्म कर मनर चेतन स्तर दे मनर जे भाव गुड़िक सम्बन्ध में आम सचेतन न था अथच इच्छा अनुसार जो मान सम्बन्ध में सचेतन हो पार से गुड़िकर समवाय मनर द्वितीय स्तर गठित हुए यह मनर उपचेतन स्तर सबकॉन्शियस लेयर कहा जाए। केते गुड़े भाव आम नियत भूली जाइ थाउ अतीत जीवन केते भाव आज विस्मृति अतल गर्भर डूबी जाइछि किंतु से गुड़िक ध्वंस हेबार नुहे यही भाव गुड़िक मिलित हो धीरे धीरे मनरे गोटे स्तर रचना कर स्तर भाव गुड़िक पूर्वे चेतन स्तर रे थिला तेणु यही स्तर टी को मनर प्राक चेतन स्तर प्रिकनसीयस लेयर कह जाए। आम मानकर अतीत जीवन रत कथा यही प्राक चेतन स्तर रे संचित रही संपूर्ण इच्छाधीन नथिले मध्यम सुविधा पाई हठात कौन सी सामान्य कारण युड़ चेतन मन में भाषि उठी पुणी आम मान ज्ञान उन्मेष पूर्व अति शैशव अवस्था बहु संस्कार गठित हुए कई कई कहती भ्रूणावस्था एपरिक पुरुष परंपरागत केते संस्कार आम मन में संचित रही यही संस्कार गुड़िक मनर निम्नतम स्तर रचना कर आमरण यही संस्कार स्तूपीकृत संस्कार राशि मनर तले डूबी थाए जदिबा केते बेले भासी उठे से मानक आउ चिन्हिबार उपाय न था तेणु मनर यही स्तर को अचेतन स्तर अनकॉन्शियस लेयर भी कहा जाए। प्राक चेतन और अचेतन यही दुई स्तर समस्त भाव नहीं आंभ मानकर अव्यक्त मन प्राय आम अचेतन स्तर में कौन सी खबर जानूना जाणी पारना कारण स्वाधीन इच्छा यही स्तर कौन सी संवाद पाई जदि बा केत अचेतन स्तर कौन सी भाव स्वतः ही जगि उठे से विस्मित हो भावु ये किपर भाव आम मन में कड़ू जावा आसिया कर धारणा ही करना जे मोर सुदूर अतीत जीवन भाव गुड़िक आज हठात प्रेरणा पाई जाग्रत मन में भासी उठ मनर चार स्तर समस्त जीवन अभिज्ञता अनुभूति भाव और संस्कार नहीं किपर नियत चंचल जन्मावधि रूप रस गंध शब्द स्पर्श मध्य दे आम मानकर जीवन रे विचित्र अभिज्ञता किपर स्तरे स्तरे सुविन्यस्त हो रही तेणु तो ठाकुर कहती जहां मस्तिष्क चिंता को उद्दीप्त कर तत्पारस्प परंपरानुसार बही चली थाए मन कहुपे आज विषय वस्तु अच्छी मनर भाव नुहे वास्तव कर्म ही भगवान देखती कथ बाणी संख्या 107 जो बाणी तो हूँ भाव जत उच्छ्वास मुखर तार चली थाए लक्ष्य संवेदनार वाक्य जाल नहीं किंतु तदनुपातिक कर्म को उद्धाम करी तोलेना से चलेना सेपरी वास्तव चलन सत्ता जहा द्वारा अतिरंजित हो प्रकृति में प्रकृत हो उठे से भगवान बधिर सतेज पर तार कौन किसी शुणी पारती ना तुम भाव को कर्मर भितर दे नियोजित कर वास्तव में ही परिणत करनीय चरित्र ही प्रकृत कर तोल शुणे भगवान देखिबे भगवान तांकर अविरल मंजूर प्रेरणा तदनुपातिक पाइबारे तुमको भरपूर करी तोलिब यही बाणीर सार कथा मु जहां बुझी व्यक्त करने चेष्टा करुच्ची नकरी जे पाइबा को चाहे दुख तार पछरे धाए करिबा ही पाइबार दनु करी करी जाए जे कृपार आशीष पाए यही बाणीर सार अर्थ मु जहां बुझी कहू आमे दीक्षा नेबा पूर्वरु जानिथिलु भगवान आमको सबकिछि देबे किछि न करी किसी कर्म करानी भगवान सबकि आमको देदेवे पाखे प्रार्थना कले से हुए ना तेणु ठाकुर कहते मनीष मनीष भगवान ही आस ठाकुर कहते आम मान पाखे भगवान तुम स्तुति निंदार धार भी धारती ना बर तुम मान भक्ति भल पाइबा आत्मनिवेदन अनुमोदन लाभ कै
वास्तव में किछि नकरी भगवान पाखे प्रार्थना स्तुति बा निंदा कले किछि मिलिबो नै भगवान मध्ये बधिर होइ पाठ न पढ़ी कई भगवान पाखे प्रार्थना कले बा भगवान कर पूजा कले पास करि पारे ना किछि पाइबा को गले ता जानिबा को हेबो किपरि मिले सेपरि सेपरि कले फल मिलिबो एवं भगवान सुनिबे ओ देखिबे तेणु श्री ठाकुर कहती पाइबार ध्यान तु जतई करिस करार तपटी बात दिए पाइबार आशा बंध्या ततई नाकाल हवि खेद निए पाइबा पाई बसी रही जेते चिंता ध्यान भावना करुना काई केबे हेले ताहा मिलिबो नाही जेते बेल पर्यंत हाथ कलम रे ताहा न करिछे आमको गोटे कखारु मंजी दिया गला सेथिरु कखारु उत्पादन करिया पाई आमे ताको आनी घरे गोटे डबार रख देला ता द्वारा आमे कखारु पाई परिबा नाही कखारु पाइबा खोले माटी को खोली सार खत दे माटी रे मंजी दी पोती जल वायु उत्ताप प्रयोग कले सेथिरु अंकुरोद्गम हेबो बा गछ उठिबो सेथिरे आमे फल पाई परिबा एहा केवल कर्म करिया भीतर दे लाभ हुए आम पाखरे खाइबा पाई खाद्य दिया गला ताहा आम पाटी चली जीवन जेते बळ पर्यंत आमे हाथ द्वारा से खाद्य पाटी को न नेई पाटी भीतर को गले मध्ये आमे जदि ताकु गलाधकरण न करू बा नढोकू तेबे ताहा पेट को मध्ये जीवन ए सब संभव केवल कर्म करिबा द्वारा नहले केवल बसी भाबिले हेबो नाही आमे सतनाम पाइछे ताकु जेपरि जपध्यान करिया पाई कुआ जाइछि ताहा सुणी जदि कर्म रे न करू प्रत्येक दिन सकाळे संध्यारे बीज मंत्र जपध्यान करिबा को हेबो 30 मिनिट रु 45 मिनिट प्रत्यय 2 किंबा 3 थर जे ई मन द्वारा नाम ध्यान प्रत्यय करती से मानकर जाजन बा इष्ट प्रसंग छाए आसे एवं इष्ट वृद्धि जेपरी करिबा को कहा जाइछि सेपरी करिबा दरकार स्वस्थ होनी सदाचार पालन करिबा दरकार ए सब कर्म न कले फल मिले ना बा भगवान आमको देखंती नाही कि आमको आम कथा को सुनंती भी नाही तांकर अविरल मंजूर प्रेरणा सेई अनुसार आमे पाई पारिबा आमे कहू बहुत करू कम तेणु ठाकुर कहते कहवा बेसी जोर दिए सत्यानुसरण अच्छी जे कहे कम करे बेसी से प्रथम श्रेणी कर्मी जे कहे बेसी करे कम से तृतीय श्रेणी कर्मी जे जेपरी कहे सेपरी कहे से मध्यम श्रेणी कर्मी जार कहार आलस्य करार आलस्य से हूँ अधम श्री श्री ठाकुर सब बेले करवा कथा विशेष जो जोर दे भीतर दे गढ़ी उठे प्रकृति बा नेचर केवल करे हुए ना विधि माफी करिबा दरकार जेपरी करी करिले हुए सेपरी करी करिबा दरकार जिए जेते नियंत्रित तार काम मध्य सेते सुशृंखल और निर्भुल हुए आउ काम जेते निर्भुल हुए सुफल फले सेपरी करिबा पथरे अनेक बाधा आसी पारे किंतु बाधा गुड़ी को जे सुकौशल विन्यस्त करी न पारे तार उद्देश्य सिद्धि हेबा कठिन होई पड़े जड़े हुए तो गोटे बापारे खूब परिश्रम कला किंतु एपरी जगार हुए तो से रागी गला जे तार समस्त परिश्रम पंड हो गई भाव नाना प्रवृत्ति मझे आसी कमर फलर ताकु वंचित करे पुनी समय मत काम करवा दरकार समय छाड़ी सत परिश्रम कले सुविधा हुए ना किपर प्रस्तुति ए कमर प्रस्तुति ठीक मत दरकार धरतु रोसे कर कड़े तेल पकई जदि फुटण आने को दुकान को दौड़ ताहले तेल पड़ीजी समय अर्थ और परिश्रम सबुठ अपव्यय तेणु कौन करने को कौन कौन दरकार सम्यक भाव भावि नहीं साध्यमत आगर प्रस्तुत होगाक हम अनुध्यान ना पदे पदे हईराण होगा हुए कहार कर्म प्रबोधि स्नायु सक्रिय बोध प्रवाही स्नायु सक्रिय नुहे पुणी कहार बोध प्रवाही स्नायु सक्रिय कर्म प्रबोधि स्नायु सक्रिय नुहे हेलो आज्ञा जय गुरु जय गुरुदाता प्रणाम कर्म प्रबोधि स्नायु सक्रिय नुहे यही दुईटा ही किंतु अभाव लक्षण दरकार समन्वय संगति तेणु कर्म करने संगे संगे निरख परख करने हुए निज भितर त्रुटिटा कौटी
ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଧରା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ କରି ନେବାକୁ ହୁଏ। ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ପଥରେ ବହୁ ଅବାନ୍ତର ଅନ୍ତରାୟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ପୁଣି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏପରି ଭାବରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ ପଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ହୁଏତ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଲେ ସେ ତାହା କରିବ କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ଦେଖିଲେନି ସେ କଲା କି ନା, ଏଇ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ହୁଏତ ଆମର କରିବାଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କେବଳ ନିଜେ ଠିକ ହେଲେ ହିଁ ହବନି, ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଠିକ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଜୀବନର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହୁଛି, କର କର କର, କେବଳ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବାଣୀର ମର୍ମାର୍ଥ ଏହା ହିଁ ବୋଲି ଭାବି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ପ୍ରଣାମ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବାଣୀଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ମଝିରେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କି କଟି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଭାବିଲି, ତେଣୁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ ଇଏ କଲି, ସୂଚନା ଦେଲି। ଦାଦା ବୋଧେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପଥକୋଡ଼ି ଗ୍ରନ୍ଥର 107 ନମ୍ବର ବାଣୀକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦାଦା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ନାଁ କୀର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର କାମିଳା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।